व्हाट्सअप गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं जगतजीत, दैट इज हरप्रीत। हेलो, सत श्री अकाल। एंड दैट्स मेहर। हाय। ओके, सो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक छोटी सी फैमिली ट्रिप पे। हमारे साथ एक और फैमिली है जो कि विनिपेग से ही है, और इनफैक्ट हमारी ही स्ट्रीट पे रहते हैं वो। सो हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ट्रिप पे। बता दें इनको हम कहाँ जा रहे हैं? I guess, yes. ओके, तो आपको बता देते हैं, हम जा रहे हैं केनोरा, और ये एक फैमिली ट्रिप होने वाली है। वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। सो चलते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और कीप वॉचिंग गाइज, एंजॉय, स्टे ट्यून्ड। सो तैयारी हो गई है गाइज, दैट बैग इज गोइंग टू बी माई गैजेट्स एंड एवरीथिंग, लैपटॉप भी आ जाएगा उसमें, कैमरा बैग एंड माई पाउच, माई हेडसेट्स, ये है बड़ा ट्राईपॉड, वो भी रख लेंगे। ये रहा हमारा बैगेज एंड ये सारा सामान है हमारा, ये हम लेके जा रहे हैं। Are you excited, Meher? Yes, I just want to see if they have any twist. I just want to find out. Yeah, चलिए अब चलते हैं, थोड़ी देर में हम निकलेंगे ट्रिप के लिए। सो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। However, we will be in different cars. हम जाकर मिलेंगे केनोरा में, और नेक्स्ट हाफ एन आवर में हम लोग निकलेंगे यहाँ से, और उसके बाद आपको भी अपने साथ लेके चलेंगे, टूर एंजॉय करेंगे, एंड लेट्स डू इट, लेट्स गो गाइस। We are on our way to Kenora, और 2 hours and 34 का ड्राइव था हमारे घर से, 2 hours 34 minutes, and it was 209 kilometers something, और हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं, यानी कि अब जैसे कि नेविगेशन में चेक कर रहा हूँ, 1 hour and 44 minutes की ड्राइव अभी रिमेनिंग है, एंड 160 kilometers अभी हमें ट्रैवल करना है। वी आर ऑन ट्रांस कैनेडा हाईवे, ड्राइव बहुत ही अच्छी है, मज़ेदार है, अभी मौसम अच्छा है, और सीनरी तो आप देख ही रहे हैं बाहर कितनी प्यारी है। मेयर सो चुकी है, शायद अब ये होटल पहुँच कर जो है उठेगी। थोड़ा सा हमें भी महसूस हो रहा है कि स्मोकी है इस टाइम पे, काफ़ी दूर दूर तक अगर देख रहे हैं तो इतना क्लियर नहीं है, और देखते हैं वहाँ जाके कैसे होता है, क्योंकि हमने अब किनोरा जाना है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, बिकॉज़ वी विल बी इन ओंटेरियो। अब देखते हैं, अभी तक तो मौसम ठीक ही लग रहा है, और आसपास भी क्लैरिटी थोड़ी सी मुझे लग रहा है स्मोक है, क्यों? आई गेस थोड़ा सा है। या गाइस, व्हाइट शेल क्रॉस किया है हमने अभी, और 1 घंटे की ड्राइव है अभी बची हुई है, 73 किलोमीटर्स अभी और ट्रैवल करना है, और चल रहे हैं अभी, मज़े ले रहे हैं ड्राइव के, और क्योंकि हमेशा की तरह हमने जब रॉन्ग टर्न लिया तो हम अपने फ्रेंड से बिछड़ गए हैं। अब वो जो हमारा लैंडमार्क हमने डिसाइड किया है वहाँ जाके मिलेंगे उनसे, तो चलते हैं। तो गाइज, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पे, टांगे सीधी कर लें ज़रा, क्योंकि मैं ही ड्राइव करने वाला हूँ, वैसे इतना लंबा ड्राइव है नहीं, 2 hours and 30 minutes जैसे आपको पहले बताया था। पे हमने पीछे अपनी कार वहाँ पे पार्क कर दी है, और यहाँ पे आपको कुछ दिखाने के लिए आए हैं हम दिखाने के लिए क्या, थोड़ी सी फ़ोटो शूट करने के लिए आए हैं, और आपको भी बता देते हैं कहाँ पर हैं हम लोग। सो हियर वी गो, दैट्स इट गाइज। तो हम ओंटेरियो आ चुके हैं, वी आर एट द बॉर्डर ऑफ ओंटेरियो, हियर इट सेज वेलकम टू ओंटेरियो, और अभी यहाँ पे फॉरेस्ट का क्या लिखा है इन्होंने, फॉरेस्ट फायर हैजर्ड इज एक्सट्रीम।
तो यही था, आपको ये बताना था हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे हमने ज़रूर आके रुकना था। हमने एक्चुअली ये डिसाइड किया था हमने अपने फ्रेंड्स से कि हम लोग यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन मे बी वो थोड़ा अभी 2 ही मिनट हुए हैं, वो लोग अभी क्रॉस किए हैं यहाँ से, तो सॉरी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, कार्स वगैरह बहुत ज़्यादा पास हो रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर जाना है कुछ देखना है, दिस इज़ अ रेड सेंटर गाइस, यहाँ पे ना बॉर्डर ऑन्टेरियो बॉर्डर पार्क है, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं बोर्ड, ऑन्टेरियो बॉर्डर पार्क रेड सेंटर यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे हम लास्ट टाइम आए थे बहुत गंदी हालत थी यहाँ पे, यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं, बाकी हमारा कोई इतना प्लान नहीं है कि अभी अंदर जाना ही है, तो क्योंकि सामान तो सारा हम कैरी कर ही रहे हैं, तो बस अब हो गया है, थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक कर लिए और अब चलेंगे आगे और फिर जाके होटल पे ही मिलेंगे फ्रेंड से भी और फिर वापस से आपसे बात करेंगे। या सो अब सोच रहे हैं कि अब आए हैं रुके हैं तो वॉशरूम हो जाते हैं, मुझे तो ज़रूरत नहीं है बट मेयर है, हम चले आएंगे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। थैंक्स बड़ी, इतना ही तो। यहाँ पर हैं रेस्टरूम्स मेन एंड लेडीज। सो मेयर आर यू रेडी, वी शैल गो अहेड नाउ, वी शैल मूव फॉरवर्ड गो टू होटल। या ऑलराइट, चलो गाइस चलिए जी चलते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं एट द होटल। मेक श्योर यू स्टॉप ओके एंड पुट बिग बिग इन ब्लॉग। ओके ओके जल्दी जल्दी करो जल्दी। ओके हां ठीक है ओके बाय। ओके जी, तो हमारे फ्रेंड्स का अभी फोन आया है कि दे हैव सीन ट्रैवलिंग देसी हेड। अगर आपको आप व्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा ट्रैवलिंग देसी इज अ वेल नोन नेम इन द व्लॉगिंग इंडस्ट्री। सो अभी चलते हैं। वी आर हेयर एट दी होटल, पहुँच चुके हैं हम, आए हैं कम्फर्ट इन पे, अब हम जाएंगे चेक इन करेंगे और फिर रूम में चल के आपसे बात करते हैं। हमने चेक इन कर लिया है, हम अपने रूम में आ गए हैं और आपको तसल्ली से इस रूम का टूर देंगे, कैसा रूम है, क्या प्राइस है इसका। अभी जो है हमारे फ्रेंड्स जो है वो चेक इन कर चुके हैं एंड दे आर रियली हंग्री, चलते हैं उनके रूम में और चल के कुछ खाते पीते हैं। सो लेट्स गो। नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आप लोग तैयार कर दो खाना और फिर खाते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने फ्रेंड्स के रूम पे और अब खाने की तैयारी है। खाना गर्म कर लिया आपने? अच्छा अभी खाना गर्म हो रहा है और आपको मिलवा देते हैं, आप इन लोगों से पहले मिल चुके हैं। दैट्स हरमीत, दैट्स अर्शदीप एंड दैट्स सदीव एंड उसको तो आप जानते ही हैं, दैट्स मेहर, वो हमारे साथ ही आया बंदा एंड दैट्स हरप्रीत। सो अब ये लोग तबाही मचा रहे हैं काफ़ी और हमारे आसपास वालों को पता लग चुका है कि हम आ गए हैं। सो गाइस खाना रेडी है, शाही पनीर, राइस, पास्ता एंड राजमा।
सो गाइस हो गया, खाना पीना कर लिया हमने, अब हम आ गए अपने रूम में, थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड देन आवर फ्रेंड्स विल बी कमिंग ओवर। फिर हम जाएंगे थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, थोड़ा टूर करेंगे सिटी का, और जहाँ फेरी चलती है वहाँ चलेंगे, देखते हैं अगर अभी मौका मिला तो अभी ले लेंगे। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:30 हो रहे हैं शाम के। वेदर तो अच्छा है अभी, एसी ऑन किया है, थोड़ा टाइम लगेगा रूम थोड़ा टेम्परेचर सेटअप होने में, तब तक आपको जो है रूम का छोटा सा टूर दे देते हैं। तो ये है मेन डोर, यहाँ से हम आए अंदर, यहाँ अंदर आते ही जो है यहाँ पे है वॉशरूम, और ये हूँ मैं और ये रहा बेसिन और ज़रूरी सामान, और ये रहा बाथटब, ठीक है जी, और ये जो टॉवल्स वगैरह जो भी उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ से आगे आते हैं तो आ जाता है एक छोटा सा क्लोज़ेट एरिया, यहाँ पे क्लोज़ेट है, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर है आयन एंड आयन बोर्ड, ये है एक डबल बेड, तो ये है हमारा फर्स्ट डबल बेड जहाँ पे मेहर सोएगी प्रॉबेबली, एंड ये है हमारा सेकंड डबल बेड, और छोटा सा लैम्प सेंटर पीस, सामने लगा हुआ है टीवी, माइक्रोवेव एंड स्मॉल फ्रिज, ये एक छोटा सा टेबल मेरे एडिटिंग के लिए, चेयर दी हुई है इन्होंने, कह रहे हैं कि यहीं पे वीडियो बनाओ और यहीं पे एडिट करो और यहाँ पे है एक छोटा सा डेस्क, काफ़ी स्टोरेज है, अच्छी है, और ये ड्रेसिंग मिरर, यहाँ पे खड़े होके हम रेडी हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। सो ये है एक छोटा सा रूम गाइस, दिस इज़ इट। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये जो एक रूम है इसकी हमें वन नाइट कॉस्ट है $304। तो आज का हमारा चेक इन था फ्रॉम 3 PM टू 7 AM, हम कभी भी चेक इन कर सकते थे, तो हमने आज शाम को यहाँ पे चेक इन किया है एंड सुबह 11 बजे से पहले जो है चेकआउट करना है, एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, वाईफाई फैसिलिटी है, स्मोकिंग नॉट अलाउड है, हमें ये रूम मिल गया है विद 2 डबल बेड्स, सो प्रिटी रीजनेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गाइज, क्योंकि हमने थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे बुक किया है, और अब इसके बाद चलते हैं मार्केट में, थोड़ा घूमते फिरते हैं और एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं केनोरा। सो गाइस अभी प्लान बन रहा है वॉक पे जाने का, इन शॉर्ट थोड़ा सा नियर बाय शॉपिंग एरिया एक्सप्लोर करने का, और देखते हैं और क्या देखने को मिलता है, और साथ में आप भी चलिए एंजॉय करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं केनोरा। और पहले मैं ज़रा पानी की बॉटल ले लूँ कार में से, गर्मी काफ़ी है और हाइड्रेटेड रहना ज़रूरी है। ये रहा हमारा होटल, हमारे होटल का फ्रंट व्यू, तो गाइस वॉक कर रहे हैं हम लोग केनोरा सिटी, और अभी तक तो थोड़ी रौनक वाली लग रही है जगह, छोटी है, घूमने में मज़ा आ रहा है, है तो विनीपेग भी छोटा ही, मगर ये उसके मुकाबले थोड़ी छोटी, साफ़ सुथरी, और क्योंकि हम लोग घर से बाहर हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं तो और मज़ा आ रहा है यहाँ पे। KFC एंड मैकडोनल्ड्स कॉम्पिटिशन देखिए, सामने ही KFC और उसके बिल्कुल सामने मैकडोनल्ड्स। सो गाइज हमने चेक किया है ऑन मैप, इट्स लाइक 33 मिनट वॉक, तो हम तो चल लेंगे लेकिन बच्चों के साथ इट्स नॉट प्रैक्टिकल, तो अभी हमने डिसाइड किया है कि हम जा रहे हैं वापस, जाके कार पिक करेंगे और फिर जाएंगे, ताकि हम थोड़ा मौज भी हो जाए और ये ना हो कि हम आते आते टाइम टाइम फिस हो जाएँ, तो इसलिए कार पिक करेंगे और फिर जाएंगे। लेडीज़ और बच्चे वेट कर रहे हैं हमारा मैकडी पे, और फिर वहाँ से उनको पिक करके चलते हैं। चलो जी चलें, कार पिक हो गई है, नाउ लेट्स गो फॉर सम फन। सो गाइज हम तो आए थे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने सिटी, और कुछ अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, हस्की द मस्की कहते हैं उसे, और लेक साइड है यहाँ पे, ट्रेल है, अच्छी वॉक हो सकती है, फाउंटेन है, बट इस समय जो है रब का अपना फाउंटेन चल रहा है, आपको दिखा देते हैं, ये है हाल,
तो इस टाइम पे खूब बारिश हो रही है, तो हम जो हैं यहाँ तक आ गए हैं एट द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, बट हम बाहर नहीं जा सकते, हम कार से ही देख रहे हैं। ना हमारे पास छतरी है, ना हमारे पास रेनकोट है, और अगर होता तो भी हम जाते नहीं। तो बस यहीं पे एंजॉय हो रहा है, और प्रॉबेबली सुबह हम थोड़ा सा घूमेंगे और सुबह की सुबह देखेंगे। ये रही सारी जनता, अंदर ही बैठी है कार में, और बस हमने पकौड़े ऑर्डर किए। सारी जनता अंदर क्या करके आएंगे, फंस गई है अंदर। हाँ अंदर फंस गए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जिंदगी गो गुमनाम है कोई बदनाम है कोई किसको खबर किसको पता अनजान है कोई घर जल्दी हो गई देर राम करे ऐसा हो जाए। क्या मैं बोलूं? सुन सुना आदि कनोरा कनोरा कर दो, खंडाला ही लग रहा है। क्या करूं आके मैं खंडाला। अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए, गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला, नखरे तेरे उफ उफ उफ, रुक रुक रुक। ये क्या ला ला लव लव करते हैं? लव हुआ कैसा हुआ ये ना पूछो, ये कब हुआ। तुझे तनु ड्रॉप कर दो यार मुझे। ओके गाइस, तो थोड़ी बारिश जो है, थोड़ी सी बारिश जो है स्लो हो गई है, तो हम सोच रहे हैं कि चलते हैं थोड़ी सी वॉक करते हैं, और देखते हैं अगर बच्चे भी ठीक रहे हैं हम थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, तो अंताक्षरी रोकते हैं यहीं पे, नहीं तो हम लोग जीत जाते हैं। गाने याद कर लेते हैं। हाँ तब तक याद कर लो, गूगल कर लो। ओके